नमस्कार। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास या कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टरों के तीन कॉन्फ़िगरेशन में से एक है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है, इसको कैसे बनाया जाता है और इससे संबंधित धारा लाभ, एसी धारा लाभ, डीसी धारा लाभ, शरण धारा, निवेशी अभिलाक्षणिक, निर्गम अभिलाक्षणिक, इन सब के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, इसका जो सर्किट है उसमें हम देखते हैं कि उत्सर्जक टर्मिनल को निवेशी तथा निर्गम परिपथ को, जैसे कि हमने इस चित्र में दिखाया है, इसके अनुसार उभयनिष्ठ रखा जाता है। निवेशी संकेत आधार व उत्सर्जक के मध्य तथा निर्गम संकेत संग्राहक व उत्सर्जक टर्मिनलों के मध्य प्राप्त किया जाता है। ट्रांजिस्टर का अभिविन्यास कॉमन बेस हो या कॉमन एमिटर, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह सक्रिय क्षेत्र यानी कि एक्टिव रीजन में कार्य कर रहा है, अर्थात उत्सर्जक आधार संधि अग्रबायसित या फॉरवर्ड बायस व संग्राहक आधार संधि पश्च बायसित या रिवर्स बायस्ड होनी चाहिए। इस प्रकार की बायसिंग कॉमन एमिटर बायसिंग, जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया है, बैटरी डीसी सप्लाई, VBB और VCC के संयोजन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया है, ट्रांजिस्टर प्रयुक्त किया जाता है, उत्सर्जक आधार संधि बैटरी VBB के द्वारा अग्रबायसित होती है। यह अग्रबायसन बहुत कम वोल्टता 0.6 वोल्ट पर संभव हो जाता है। बैटरी VCC 9 वोल्ट उत्सर्जक तथा संग्राहक के मध्य जोड़ी जाती है, जो कि उत्सर्जक के सापेक्ष आधार VBB विभव तथा संग्राहक VCC विभव पर होता है। अतः संग्राहक पर आधार के सापेक्ष नेट विभव VCC-VBB होगा। इस विभव द्वारा संग्राहक आधार संधि पश्च तथा उत्क्रम बायस पर होता है, क्योंकि VCC स्वयंमज विरण VBB, अतः उत्क्रम बायस वोल्टता को लगभग VCC माना जाता है। परिपथ में प्रवाहित वास्तविक धाराओं को दिशा चित्र में दर्शाया जाता है। PNP ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास को दर्शाया जाता है। इस विन्यास में धारा IB व वोल्टता VBE निवेशी प्रचाल तथा धारा IC व वोल्टता VCE निर्गम प्रचाल होते हैं। अब हम बात करते हैं धारा लाभ की। धारा लाभ इस विन्यास के आधार में धारा निवेशी तथा संग्राहक धारा, निर्गम धारा, ये तीन प्रकार की धाराएं होती है। ट्रांजिस्टर का धारा लाभ निर्गम धारा सी विन्यास में IC व निवेशी धारा सी विन्यास में IB के अनुपात के रूप में परिभाषित होता है। निवेशी व निर्गम धाराएं AC व DC होने पर धारा लाभ AC धारा और DC धारा दो तरह के लाभ कहलाई जाती है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक DC धारा लाभ या कॉमन एमिटर DC गेन करंट क्या होता है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। उभयनिष्ठ उत्सर्जक DC धारा संग्राहक धारा IC और धारा IB के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। बीटा को हम लिख सकते हैं बीटा DC इक्वल टू IC/IB, क्योंकि संग्राहक सदैव आधार धारा से अधिक होता है, अतः DC धारा लाभ बीटा का मान 1 से अधिक होगा। उदाहरण स्वरूप, यदि धारा 50 माइक्रो एम्पियर्स है तो संग्राहक धारा IC 5 मिली एम्पियर्स तथा बीटा 100 के बराबर हो जाएगी। सामान्यतः बीटा का मान 20 से 250 के मध्य होता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक AC धारा लाभ या कॉमन एमिटर AC करंट गेन ट्रांजिस्टर प्रवर्धन के रूप में कार्य करता है। प्रवर्धक परिवर्तित या AC संकेतों को प्रवर्धित करता है। इन परिस्थितियों में हम वोल्टता व धारा को निरपेक्ष DC मानों की अपेक्षा उनमें अल्प परिवर्तनों के संगत प्रवर्धक का विश्लेषण करते हैं। उत्सर्जक धारा में परिवर्तन के संगत संग्राहक धारा में होने वाले परिवर्तनों को एक प्रचाल व बीटा द्वारा परिभाषित करते हैं। यह प्रचाल AC धारा लाभ कहलाता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक AC धारा लाभ संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE के नियत मान पर संग्रहण धारा में परिवर्तन डेल्टा IC व आधार धारा में परिवर्तन डेल्टा IB के अनुपात में तुल्य होता है। इसे बीटा जीरो या बीटा AC या HFE द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम बात करते हैं रिलेशन अल्फा व बीटा में संबंध क्या होता है।
हम जानते हैं कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। तो IE को अगर हम IC से भाग देते हैं तो IE बाई IC इज इक्वल टू IB बाई IC प्लस 1। चूँकि धारा लाभ अल्फा IC बाई IE होता है और धारा लाभ बीटा IC बाई IE होता है, तो हम इस समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/α इज इक्वल टू 1/β प्लस 1। तो इसको अगर हम वापस अरेंज करेंगे तो हम इसे, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में लिखा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा बाई बीटा प्लस 1 और बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा। सरल धारा क्या होती है? लीकेज करंट। लीकेज करंट के लिए हम जानते हैं कि उभयनिष उत्सर्जक विनियोग में PNP ट्रांजिस्टर को प्रदर्शित हम जैसे करते हैं, तो इसमें कुछ रिवर्स बायस में रिवर्स सैचुरेशन करंट ICBO ताप पर निर्भर करता है वो हमें प्राप्त होता है। अतः संग्रह धारा IC का समीकरण थोड़ा सा बदल जाता है, मतलब कि ICO हो जाता है ICBO डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, ये हो जाता है बीटा प्लस 1 × ICBO। अब हम बात करते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक के बारे में, या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। उभयनिष उत्सर्जक विन्यास में निवेशी अभिलाक्षणिक संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE को नियत रखकर आधार धारा IB व आधार उत्सर्जक वोल्टता VBE के मध्य खींची जाती है। PNP ट्रांजिस्टर के उभयनिष उत्सर्जक विन्यास में निवेशी अभिलाक्षणिकों को दर्शाता है। यह वक्र उभयनिष्ठ आधार विन्यास CB के लिए प्राप्त वक्रों के समान है। संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE बढ़ाने पर अभिलाक्षणिक वक्र अवक्ष परत की चौड़ाई बढ़ने के कारण नीचे की ओर खिसक जाता है। अतः आधार के प्रभावी चौड़ाई व आधार IB दोनों के मान में कमी हो जाती है। ये अभिलाक्षणिक वक्र उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास की दी गई वोल्टता VCE पर ट्रांजिस्टर का गतिक निवेशी प्रतिरोध डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस ज्ञात प्राप्त होने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गतिक निवेशी प्रतिरोध RI आधार उत्सर्जक वोल्टता में परिवर्तन डेल्टा VBE तथा आधार धारा में परिवर्तन डेल्टा IB के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है जब CE का मान नियत होता है। अतः इसे अभिलाक्षणिक वक्र के ढाल में व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल द्वारा व्यक्त किया जाता है, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, RI इज इक्वल टू आधार उत्सर्जक वोल्टता में परिवर्तन डिवाइड बाई आधार धारा में परिवर्तन जब हमने VCE को नियत रखा। जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है, निवेशी अभिलाक्षणिक के अनुसार VCE में निश्चित मानों के लिए जैसे जैसे वोल्टता VBE बढ़ाई जाती है, आधार धारा IB डायोड अभिलाक्षणिकों के समान बढ़ती है। वास्तव में VCE को बढ़ाने पर अभिलाक्षणिकों पर इतना कम प्रभाव होता है कि प्रथम सन्निकटन में VCE के परिवर्तन के कारण होने वाले परिवर्तन को नगण्य मान सकते हैं तथा अभिलाक्षणिक चित्र के अनुसार हमें इसको प्राप्त करते हैं। यदि हम खंडशः रैखिक विधि इस वेज लीनियर अप्रोच का प्रयोग करें तो अभिलाक्षणिक चित्र के द्वारा प्रस्तुत होता है। यदि वक्र के ढाल नगण्य मान ली जाए तो हम इसको इसे देख सकते हैं। DC मोड में किसी भी ट्रांजिस्टर विन्यास में हो, यह स्पष्ट है कि सक्रिय क्षेत्र में कार्यरत ट्रांजिस्टर के लिए आधार उत्सर्जक वोल्टता VBE 0.7 वोल्ट होगी। यह ट्रांजिस्टर के DC विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। अब हम बात करते हैं निर्गम अभिलाक्षणिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। निर्गम अभिलाक्षणिक आधार द्वारा IB को नियत रखते हुए संग्राहक IC व संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE के मध्य खींची जाती है। PNP ट्रांजिस्टर के निर्गम अभिलाक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। PNP ट्रांजिस्टर के लिए VCE, IC व IB ऋणात्मक होते हैं। निर्गम अभिलाक्षणों को सक्रिय, संतृप्त व अंतक, यानी कि एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ, ये तीन चित्रों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। सक्रिय क्षेत्र क्या होता है? सक्रिय क्षेत्र मतलब एक्टिव रीजन, यह क्षेत्र VCE लेस देन 1 वोल्ट के दाईं ओर दोनों IB इज इक्वल टू 0 के ऊपर स्थित होता है। इस क्षेत्र में ट्रांजिस्टर निवेशी संकेत के प्रति संवेदनशील सेंसिटिव होता है तथा ट्रांजिस्टर का उपयोग सक्रिय क्षेत्र में अपरूपण डिस्टॉर्शन रहित प्रवर्धक के रूप में किया जाता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का उपयोग वोल्टता धारा व शक्ति प्रवर्धन में किया जाता है। तो IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO, यानी कि बीटा IB प्लस ICEO। सामान्यतः IB इज वेरी मच रिटर्न ICBO, इसलिए सक्रिय क्षेत्र में IC इज इक्वल टू बीटा IB। लघु धारा IB अधिक परिमाण की निर्गम संग्रहण धारा IC को उत्पन्न करती है। अब हम बात करते हैं संतृप्त क्षेत्र या सैचुरेशन रीजन की। जब VCE का मान
वोल्ट के कुछ दशांकों या टेंस में कम होता है, तब वीसी के घटने के साथ आईसी का मान तेज़ी से कम होता है या घटना वीसी का मान वीबी के कम होने पर घटित होती है, क्योंकि तब संग्राहक आधार संधि अग्रवयसित होता है। इस स्थिति में ट्रांजिस्टर के दोनों संधियों अग्रवयसित होती है व ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में प्रचालित होता है। इस क्षेत्र में धारा आईसी निवेशी धारा आईबी व निर्भर नहीं करती, इसलिए इस संतृप्त क्षेत्र या सैचुरेशन रीजन कहते हैं। अंतर क्षेत्र यानी कि कट ऑफ रीजन, आधार धारा आईबी का मान शून्य होने पर भी संग्राहक धारा आईसी का मान शून्य नहीं होता। अंतर क्षेत्र के आईबी इज़ इक्वल टू जीरो के समीप जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा का मान लगभग 0.9 होता है। अतः शून्य आधार धारा आईबी इज़ इक्वल टू जीरो पर संग्राहक धारा उत्क्रम संतृप्त धारा आईसी बीओ के 10 गुना होती है, इसलिए शून्य आधार धारा ट्रांजिस्टर को अंतक क्षेत्र में लाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अंतक यानी कि कट ऑफ स्थिति में संग्राहक धारा उत्क्रम संतृप्त धारा आईसी बीओ के तुल्य तथा उत्सर्जक धारा आई इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। जब उत्सर्जक संधि पर लगभग 0.1 वोल्ट की उत्क्रम बायस वोल्टता लगाई जाती है, तब जर्मेनियम ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में प्रचालित होता है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा में मान आईसीबीओ के तुल्य होता है, क्योंकि उत्सर्जक संधि संक्रमण क्षेत्र में पुनः संयोजन के कारण अल्फा का मान शून्य के समीप होता है। तो ये हमने आज बात करी कॉमनोमीटर मोड की। धन्यवाद।